मेरे प्यारे देशवासी बहनों एवं भाइयों, भारतीय सशस्त्र सेनाएं हम सभी भारतीयों के मन और मस्तिष्क में एक विशेष स्थान रखती हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमारा देश 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मना रहा है। इस दिन हम अपने उन वीर शहीदों का स्मरण करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस दिन हम इस ध्वज को अपने उन महानायकों के सम्मान में बड़े गर्व के साथ अपने सीने पर लगाते हैं। यह ध्वज हमें उनके त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण की याद दिलाता है, साथ ही हमें उनके आश्रितों, वार वीडोज, दिव्यांग सैनिकों और उनके बच्चों का हर संभव ख्याल रखने का संकल्प भी कराता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष वह स्रोत है जिससे पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और विकलांग सैनिकों और उन पर आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण संबंधित योजनाओं को चलाया जाता है। इस वर्ष रक्षा मंत्रालय द्वारा 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जा रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि केवल 7 दिसंबर ही नहीं बल्कि यह पूरा सप्ताह शौर्य और गौरव के सप्ताह के रूप में मनाएं और यह ध्वज धारण कर सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान भी करें। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की यह पहल हमारे शहीदों के आश्रितों के लिए एक नेक और देशभक्त की भावना से परिपूर्ण पहल है और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सभी श्रद्धांजलि के रूप में केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संचालित कोष में www.ksb.gov.in के माध्यम से यथासंभव आर्थिक योगदान करेंगे। जय हिंद।